हेलो फ्रेंड्स, मैं आरबी यादव, स्वागत करते हैं आप सभी का इस नए वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि देख रहे हैं, आज हम लोग 7 नंबर चैप्टर का 3rd वीडियो देखने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो में एक ऐसे क्वेश्चन को शामिल किए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आज जो है कौन सा क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। आज का क्वेश्चन कुछ इस टाइप है कि बिंदु -3,10 और 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि दोस्तों, दो बिंदु दिया हुआ है। मान लेते हैं कि ये बिंदु जो है ये है, जिसका निर्देशांक -3,10 दिया हुआ है, और इससे दूर कोई बिंदु मान लेते हैं कि B है। ये बिंदु मान लेते हैं B है, इसको मानते हैं कि क्या हुआ B 6,-8। अब का अगर इस दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो एक रेखाखंड मिलेगा। कहता है बिंदु इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को, ये एक रेखाखंड मिला, इसको बिंदु -1,6 मान लेते हैं कि इसके बीच में कहीं भी बिंदु -1 जिसका नाम P दे देते हैं। मान लेते हैं कि ये बिंदु P है जिसका निर्देशांक -1,6 है, जो रेखाखंड AB पे क्या है, कहीं भी स्थित है, और AB को क्या कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है। कहता है बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करता है। दोस्तों, अगर A और B को मिला, एक रेखाखंड मिला, उस रेखाखंड पे मान लेते कि ये बिंदु P स्थित है। अब ये बिंदु P जो है इस रेखाखंड को दो भागों में क्या करेगा, बांटेगा। तो बांटेगा तो अनुपात होना चाहिए, तो वही आपसे पूछा जा रहा है कि किस अनुपात में, मतलब आपको क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं कि ये बिंदु P रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 में क्या कर रहा है, बांट रहा है। अब सिंपल आप समझ लीजिए कि M1 और M2 का वैल्यू आपको क्या करना है, निकालना है। मान लेते हैं कि ये बिंदु P रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 में क्या कर रहा है, बांट रहा है। तो दोस्तों, अगर हम आगे का बात करें तो लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। सभी आप लोगों को पता होगा कि विभाजन सूत्र क्या है। विभाजन सूत्र हमें बिंदु P का निर्देशांक देता है, विभाजन बिंदु का क्या देता है, निर्देशांक। विभाजन सूत्र से P का निर्देशांक बराबर, P का निर्देशांक बराबर क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, M1 X2 + M2 X1 / M1 + M2 / M1 Y2 + M2 Y1 / M2। अब दोस्तों, अब क्या करना है, P का निर्देशांक आप देख रहे हैं कि P का निर्देशांक ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, -1,6। पी का निर्देशांक हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है -1,6, उसका वैल्यू रख लेंगे। अब आप M1 होगा -X2, इसको मानेंगे X1, इसको Y1, इसको X2, इसको Y2। तो यहाँ पर जो X2 का वैल्यू है कितना है, 6 है, +M2 × X1, और X1 का वैल्यू -3 / M1 + M2 M1 × Y2। तो Y2 का वैल्यू क्या है दोस्तों, Y2 का वैल्यू है -8 प्लस है तो प्लस M2 × Y1, और Y1 का वैल्यू है 10, Y1 का क्या वैल्यू है 10, और बट्टे M1 + M2। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, -1,6 = 6 को M1 से आप गुना करेंगे तो 6 M1 + × - क्या होगा, माइनस
तीन एम टू बट्टे एम वन प्लस एम टू कॉमा माइनस आठ से अगर एम वन को गुना करेंगे तो माइनस आठ एम वन प्लस गुने प्लस प्लस दस को एम टू से गुना करते हैं तो दस एम टू बट्टे एम वन प्लस एम टू। अब जो है ये किसका निर्देशांक है, ये निर्देशांक है P का, और ये भी किसका निर्देशांक होगा, P का ही निर्देशांक होगा, तब तो दोनों बराबर है। ये भी जो हमें मिला है वो क्या है, P का निर्देशांक, ये भी किसका निर्देशांक है, P का निर्देशांक, दोनों P का निर्देशांक है इसलिए दोनों क्या है, बराबर है। अगर दोनों ही निर्देशांक P का ही है तो x निर्देशांक बराबर होगा x के और y निर्देशांक किसके बराबर होगा, y के। अब हम क्या करते हैं कि आप या तो x निर्देशांक को x से बराबर कर दीजिए या y निर्देशांक को y निर्देशांक से बराबर कर देंगे तो आपको क्या होगा, m1 और m2 का वैल्यू सिंपल आसानी मेथड से क्या होगा, मिल जाएगा। तो हम क्या करते हैं, लिखते हैं अब, यानी कि क्या करते हैं, हम x अनुपात को x अनुपात के क्या कर देते हैं, बराबर, क्योंकि ये तो बराबर होगा। अगर ये दोनों बिन दोनों निर्देशांक सेम बिंदु का है तो x निर्देशांक के बराबर होगा। तो लिखते हैं माइनस वन, इसके बटा में वन कर देते हैं, बराबर। और यहाँ पर जो x निर्देशांक है छः एम वन माइनस तीन एम टू बट्टे एम वन प्लस एम टू, एम वन प्लस एम टू। अगर हम कोना कोनी गुना करते हैं तो अगर एक से करेंगे इस सभी को तो सेम टू सेम, छः एम वन माइनस तीन एम टू बराबर। अगर माइनस एक से गुना करते हैं इस सभी को तो क्या होगा, सभी सेम होगा लेकिन चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस एम वन और माइनस एम टू। अब हम क्या करते हैं, छः एम वन इधर दिख रहा है तो हम छः एम वन रखते हैं और उधर माइनस एक एम वन है, माइनस एक एम वन को अगर बाएं लाएंगे तो प्लस एक एम वन, प्लस एक एम वन, एक को आप मत लिखिए, प्लस एक एम वन। अब उधर देखिए माइनस एम टू है, माइनस एम टू उधर पहले से है, और अगर माइनस थ्री एम टू को उधर भेजेंगे तो प्लस थ्री एम टू। अब हम क्या कर सकते हैं, छः एम वन और एक एम वन कितना होगा, सात एम वन बराबर प्लस तीन एम टू, में से एक एम टू क्या करना है, घटाना है, तो क्या होगा टू एम टू। अब आप गौर से देखें कि इधर क्या है, पहले एम वन, एम वन है, और अगर इस एम टू को बाएं लाएंगे तो एम टू गुना के रूप में है तो किसके रूप में आएगा, बट्टा के रूप में, उधर पहले से टू है, और इस सात को अगर उस साइड भेजेंगे तो बट्टा में जाएगा। इस तरह आप देख रहे हैं कि M1 अनुपात M2 क्या आ चुका है, सात दो अनुपात तीन। इस तरह हम कह सकते हैं कि M1 अनुपात M2 का जो वैल्यू है क्या है, दो अनुपात सात आंसर। इसका मतलब ये है कि बिंदु P रेखाखंड AB को दो अनुपात सात में क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। दोस्तों अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।